कह रहे हैं। पहले सारे साकी लख लख बधाई। मैं जो सबरा साहब ने कहा कि मैं इतने पहुँचना है और मेरी शूटिंग चल रही थी, लेकिन मैं क्या पहुँचना जरूर है, इतने ही होंगे जितने असं अपने सारे पंजाबी भावों को मिल सकते हैं। मैंने याद है जो मैं पहली बार अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके मौके तो मैं अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं बॉम्बे जाना है उत्तर स्ट्रगल करने, तो कहते उत्तर तेन कौन जानता है कि नहीं पूछना तेनों, बट आई थिंक उन्होंने दुआवं जिद कारण मैं अच्छ इतने थोड़े सामने पहुँच सकता, तो यू नो अपने सारे पंजाबी भावों दुआवं जिद कारण पहुँच सकता। औखा जरूर सी सफ़र, लेकिन आई थिंक मंजिल हजे भी दूर है, बट सफ़र जारी है। बट थैंक यू सो मच। आई थिंक सबरा साहब हमेशा मैं याद दिलाते कि चाहे मैं पंजाब तो दूर रहना, लेकिन इतने भी एक अलग पंजाब वसदा जेडे अज मैं अच्छ फिर आके वापस दूसरी बार मैं इतने आया, मैं फिर वापस लग रहा कि मैं वापस पंजाब च आ गया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। थैंक यू। Can we have music please? होना चाहिए था ना? बैसाखी टाइम है तो गिद्धे तो बनते ही है सबके, और ये जश्न की रात है, और सारे जो पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। इसके अंदर मुंबई में मोस्टली जितने भी पंजाबीज हैं वो यहाँ आए हुए हैं, सलीके से और खास से बैसाखी मना रहे हैं। सबको बैसाखी बहुत बहुत बधाई। चुटकी नंबर वन जिसको सब लोगों ने चुना, वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, लेकिन नंबर वन आज की रात तो सारे पंजाबी थे। खुश है सब में आज की, और सब बहुत मजे से हर बात पे चीखे मार रहे थे, तो ये उत्साह है इस त्योहार का। फाइनली आपको आपका दूल्हा मिल गया। मैं इस हाल में तो मैं खुद ही फाइल रहा हूँ। हाँ, हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी स्टेज के ऊपर, जिसके अंदर चुटकी ने अपना लड़का, और यहाँ पे जितने भी सम्मान दिया जा रहा है पंजाबी जो अचीवर्स हैं उन सबको सम्मान दिया जा रहा है आज की रात, और बहुत से लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मजेदार इवनिंग है। और बैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जो सारे बहुत उत्साह से और मजे से इकट्ठे मिलकर ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा माहौल लगा। मैं यहाँ पे जैसे भी कोई प्रोग्राम होते हैं आजकल, तो कुछ बस वहाँ पे जाता हूँ और अपने जो संगत उनके साथ मनाता हूँ। हालांकि पंजाब में जाके बैसाखी मनाने का माहौल अलग होता है, लेकिन यहाँ पे भी ढोल आज बज रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि पंजाब है। सबको इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी ने एक बयान दिया है जी, पीड़ित महिला है, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का बदसलूक स्वीकार नहीं करना चाहिए, और मैं खुद एक कैरेक्टर करता हूँ, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक औरत को जब रिस्पेक्ट दी जाए वो उतनी कम है, और हमारे देश में औरत सेफ होनी चाहिए, उसे सेफ महसूस करना चाहिए, ये मेरा मानना है।
अंदर आपने कोई गाना भी गाया था ना बैसाखी के लिए, तो हम चाहते हैं आपको गाना गुनगुना दें बैसाखी के लिए, कोई भी गाना। हाँ, वारी वर कटन गया सी, वारी वर्षी कटन गया सी, कट के लिया राखी, राखी का राखी का बैसाखी साहिबा जी मिल के सारे मनाउन बैसाखी। ये गाने अंदर के माहौल लगे थे, मैंने चश्मा पहन लिया है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तो सबको बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं। बैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जो पंजाबी कहीं भी जाके रहते हैं उनको, वैसे तो हर पंजाबियों का यही होता है कि बैसाखी दिन मानना है, वरना 8 बजे के बाद रोज बैसाखी बनती है पंजाब में। थैंक यू, थैंक यू। रश्मि, कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? पंजाबी मेरी इतनी अच्छी तो है नहीं, बट इट्स नॉट दैट इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी लवली लैंग्वेज। मुझे स्लैंग्स थोड़े बहुत आते थे, तो मुझे तो दैट समझना बहुत। मेरे लिए समझना थोड़ा इजी हो गया था, और डेफिनेटली कोई भी त्यौहार हो तो मुझे ऐसे लगता है कि जरूरी नहीं है ना गुजराती तो मैं गरबा ही खेल सकती हूँ, मैं गिद्दा नहीं पा सकती, और मैं पोंगल नहीं बना सकती, मैं दुर्गा पूजा नहीं घर पे रख सकती। मुझे ऐसे लगता है कि इट्स इंडियन फेस्टिवल, और एंड आई एम ग्लैड कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस शो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज ऐसे शो का हिस्सा बनना, दूसरों को भी प्रोत्साहन देना, और अपने लिए भी एक ऐसी अपने आप को भी, मुझे भी लगता है दैट आई शुड डू मोर, आई शुड डू एंटरटेन मोर, एंड हाउ मच पीपल लव मी, दैट मुझे यहाँ आके पता थोड़ा नीचे करना होता है। एंड यहाँ आने के बाद शायद पुराने दोस्तों से भी आप मिले, सुनील एंड बहुत टाइम बाद मिले थे आप लोगों को देखने। या आई हैव डन वन कॉमेडी शो विद सुनील ग्रोवर जी, उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ मिलना होता था, लेकिन इस बार कुछ 6-7 महीने की गैप के बाद मैं मिली हूँ, एंड इज अ वंडरफुल पर्सन एंड अ वर्सटाइल एक्टर एंड बहुत टैलेंटेड, क्योंकि उन्हें कोई भी किरदार दे दो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इज द बेस्ट। और जी रश्मि, इलेक्शन था नियर नाउ इन मुंबई, तो इलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? आप खुद वोट डालने जाएंगे, और अब जो आपको मौका मिला पार्टी के लिए, वोट का मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। इट्स अ वेरी, ये होता है कि आप अपने घर में जब रहते हो तो आपको अपने घर में अपने होने का एक हिस्सा और अपने होने का एक अस्तित्व बनाना पड़ता है एक उम्र के बाद, और एक वोट देना एक बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आप जिन्हें भी वोट दें उन्हें सोच समझ कर देना चाहिए। हर उम्र के बाद, जैसे लड़कियां 18 के बाद और लड़के 21 के बाद समझदार हो जाते हैं, और यही कहना चाहूँगी कि केयरलेसनेस आज भी इंडिया में काफ़ी लोग बहुत करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और डेफिनेटली उन्हें अपना हक रख के सही समझ के सही इंसान को वोट करना बहुत जरूरी है। बयान आया है कि जिन लड़कियों समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन लड़कियों के साथ रेप, तो उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। आशा चाहती है कि फादर इन लॉ ने ये बयान दिया अखबार में, तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये न्यूज़ नहीं सुनी है, बट आपके व्यू को जानना चाहते हो, आप क्या कहेंगे? और एक ऐसी महिला जो रेप पीड़ित है, लोग किस चीज पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? पॉलिटिकल पे ले रहे हो या पंजाबी कल्चर के लिए ले रहे हो? नो, यू कांट मिक्स टू थिंग्स। थैंक यू रश्मि जी, चुनाव का माहौल है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। थैंक यू। देखकर यू नो सब वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि आप पंजाब में नहीं। आई थिंक यहाँ पे एक अलग पंजाब बसा दिया, बट काफी अच्छा लगता है। जी तो आपको खुद कितना प्राउड फील हो रहा था, बिकॉज जो फॉर्म है वो हर जगह पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो जब आप एक बार पता चलती कि आप इस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, आई एम रियली In fact, you know, Punjabis ने डेफिनेटली झंडे जरूर गाड़े हैं काफी हर फील्ड में, बट आई वुड से ऐसे 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 मौकों पर सब आकर एक साथ मिलते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब लोग आते हैं, तो और यू नो प्राउड फील होता है, और यू फील प्राउड टू बी। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
कम अगेन आर बोथ क्वेश्चन दे रहे मेरे को या पूरे देश में आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है एक तरह कोई कमी नहीं है लेकिन उससे बदला के अलग मुझे अपील करना चाहेंगे जब हमें एक ऐसी लीडर की जरूरत है क्या ऐसी पार्टी की जरूरत है जो हमें महसूस करवा पाए हमें गर्व महसूस करवा पाए कि हम हिंदुस्तानी जब भी इलेक्शन होते हैं एक दूसरे के कपड़े शायद वो दिन आएगा कि जब सब लीडर्स जो होंगे दिल यू नो श्योर एंड देश के लिए कुछ जाएंगे ना सिर्फ वोटों के लिए तो इस चीज का इंतजार है जैसे कि एक अभी बयान आया था एक है पार्टी के नेता ने कहा है कि जो रेप होते हैं वो लड़कों से गलतियां हो जाती है लेकिन उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए अगर मैंने सुना नहीं है बोलते हुए बट हाँ मैंने जैसे आपने सुना है मैंने ट्विटर पे या कुछ सोशल नेटवर्क साइट्स पे पढ़ा जरूर है बट आई वुड से अगर ऐसा इट्स वेरी सैड कि एक यू नो नोन फिगर अगर ऐसा स्टेटमेंट दे आई थिंक इट्स रियली यू नो शेमफुल जी मैं जा रहा हूँ मैं इनफैक्ट इसलिए लेट जा रहा हूँ जी इलेक्शन में नहीं कर रहा हूँ मैं फिल्म एंटरटेनमेंट सुनो आज एक और समाजवादी के वासिम आजमी ने कहा कि जो पीड़ित महिला है रेप की उसे भी बराबर की दोषी आई थिंक मैंने वही जवाब आई थिंक जब ऐसे यू नो नॉन लीडर्स ऐसे यू नो देते हैं स्टेटमेंट आई थिंक सर शर्म से सबका झुकता जरूर है थैंक यू सो मच